पार्टी में धूमधाम से मनाया गया साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस। पारंपरिक वेशभूषा में हजारों की संख्या में पहुंचे समाजजन। पार्टी गुरुवार को नगर में साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पार्टी समेत आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज की महिला पुरुष अपनी वेशभूषा में एकत्रित हुए। मौके पर समाजजनों ने सांस्कृतिक रैली के साथ सामूहिक नृत्य करते हुए रवाना हुए। इस दौरान महिला एवं पुरुष आदिवासी समाज की वेशभूषा में डीजे की धुन पर थिरकते रहे, वहीं युवा भी डीजे की धुन पर खूब थिरके। नगर में साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल रैली के साथ नारेबाजी करते हुए समाज के लोग बोकराटा रोड स्थित पेट्रोल पंप से बस स्टैंड होकर कृषि उपज मंडी पहुंचे। यहां पर आदिवासी समाज के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा, रॉबिनहुड टंट्या भील, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले समेत अन्य की आदिवासी समाज रीति रिवाज अनुसार पूजा अर्चना कर पुष्प अर्जित किए गए। इसके बाद सभी समाजजनों ने वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। समाज के राजन मंडले ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज में मानवीय अधिकारों का संरक्षण, उसके जल जमीन जंगल के अधिकार संरक्षित करने, असीमितता आत्मसम्मान कला संस्कृति के अस्तित्व को कायम रखने एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार व आदिवासी समाज में जन जागृति है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने की सार्थकता एवं इसे लेकर समाज में जागरूक करने की बात कही। भैया आज साप्ताहिक आदिवासी दिवस मना रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य रहा इसका? जैसे कि आप सब जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है, तो पूरे विश्व के अंदर 9 अगस्त को बड़े बड़े कार्यक्रम और आदिवासी एकत्रित होकर उनके अधिकार की बात करते हैं। तो भारत के अंदर भी 24% से ऊपर, लगभग 16% से ऊपर आदिवासी समाज निवास करता है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में हमारे जो बड़वानी जिला है इसमें भी ये साप्ताहिक प्रोग्राम लग रहे हैं। 9 अगस्त को जो मुख्य प्रोग्राम है वो जिला मुख्यालय पर होगा। इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आज पार्टी में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इसे सिलावत में मना, निवाली में मना, और अभी पार्टी में आज मन रहा है, गंदावल में मनने वाला है। तो पूरे हफ्ते ये सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रम हमारे चलते आएंगे। और खास बात यह है कि आदिवासियों के लिए एकमात्र 9 अगस्त ही एक ऐसी छुट्टी घोषित करी जिस दिन आदिवासी अपने आपस में बैठकर हक अधिकार के लिए और अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपने लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए बैठकर सोच विचार करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो 9 अगस्त को छुट्टी पिछली सरकार ने घोषित की थी उसको निरस्त कर दिया। हमको इसमें सरकार की दुर्भावना लगती है कि सरकार आदिवासी समाज को एक मंच पर एक जगह इकट्ठे नहीं होने देना चाहती और आपस में उनके हक अधिकार के लिए वो संघर्ष करें ये नहीं चाहती है। सरकार आदिवासियों की बात को कुचलना चाहती है, आदिवासियों को तोड़ना चाहती है, आदिवासियों को विकास नहीं चाहती, आदिवासियों को अवरुद्ध करना चाहती है। भैया 9 तारीख को सामूहिक कार्यक्रम है, प्रशासन ने उधर गाइडलाइन भी जारी करी कोरोना को, तो क्या कार्यक्रम होगा या नहीं? देखो 9 अगस्त का कार्यक्रम क्यों नहीं होगा, सरकार आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने सर्कुलर जारी करा है कि राशन दुकानों पे वहाँ के मुख्य मुख्य अतिथि बनाना, कार्यक्रम करना, सरकार पूरे कार्यक्रम कर रही। सरकार हर जगह गैदरिंग हो रही, मंदिरों में छूट हो गई, पार्कों में छूट हो गई, टाकीजों में छूट हो गई, और जब आदिवासी अपने त्यौहार के लिए एक जगह इकट्ठा होना चाहे तो उसमें प्रतिबंध, ऐसे कैसे प्रतिबंध हो सकता? और खास बात यह कोई अपना त्यौहार मनाने के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो 9 अगस्त को जिला मुख्यालय पर हमारा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, अब देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार को यदि रोकना है तो सरकार आके हमसे बात करे, हमने तो हमारी तरफ से सरकार को सूचना भेज दी है कि इस तारीख को हमारा यहाँ से कार्यक्रम रहेगा, इस ऐसा कार्यक्रम होगा, हमने हमारी सूचना दे दी। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, क्या किस प्रकार से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है? ये आज हम आदिवासी मानसे हम एक 1 अगस्त से हर हाटो हाटो में मनाता जा रहा, ने आज हम 5 अगस्त पार्टी हाटो मनाई रहा कि आदिवासी हमारो असर होना जो है कि हम अंग्रेजों को था पहले ना ना भारत में वो सीरिया कि हम कुदान भूसे नहीं होता बॉर्डर में लाखड़ा जोड़ जाता था, जोड़ा बूटी जोड़ जाती थी, ने पानी फिरिम जोड़ जाता था, चारों फिरिम जोड़ जाता था, ये सारा संसाधन हम का जे बॉर्डर से जोड़ता था पानी में, ये हम का जे सरकार आने से हमारो जो एक मटका में कई वाहन एक मटका।